मां बेटी का हत्यारोपी गैंगस्टर मुठभेड़ में गिरफ्तार, चोरी का विरोध करने पर दी थी मौत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजप्रीत कौर और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। जिले में तेज धारदार हथियार से गला रेत कर मां बेटी की हत्या कर दी गई थी। मामले में आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पड़ताल में सामने आया था, आरोपी घर में चोरी करने घुसा था और विरोध करने पर घटना को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के कोतवाली क्षेत्र में घर में मां बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। मामले में हत्यारोपी फरार गैंगस्टर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। घेराबंदी कर पुलिस की ओर से हुई फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। तालग्राम थाना के भोजपुर गांव में 30 नवंबर की रात भगवान श्री और उसकी बेटी अनीता की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या हुई थी। पुलिस की पड़ताल में सामने आया था कि गांव में रहने वाले गैंगस्टर योगेश उर्फ पंगा घर में चोरी करने घुसा था। चोरी का विरोध करने पर उसने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया और फरार हो गया। पुलिस ने गुरुवार की रात गैंगस्टर योगेश उर्फ पंगा को तालग्राम गुरसाएगंज मार्ग पर घेर लिया। पुलिस से बचने के लिए उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से हुई फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई, इससे वे घायल होकर गिर गया। पुलिस ने घायल गैंगस्टर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जल्द ही खुलासा किया जाएगा। घटना में शामिल अन्य साथियों की जानकारी भी की जा रही है। बता दें कि बुधवार सुबह खून से लथपथ मां बेटी के शव कमरे में पड़े मिले थे। जिले के तालग्राम थाना के गांव भोजपुर निवासी किसान सौदान की काफी साल पहले मौत हो चुकी। घर में पत्नी भगवान श्री और बेटी अनीता के अलावा एक बेटा रहता था। मंगलवार को बेटा रिश्तेदार के यहां चला गया था। इधर रात को बदमाशों ने कमरे में भगवान श्री और उसकी बेटी अनीता की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। बुधवार सुबह जब काफी देर तक माँ बेटी बाहर नहीं निकले तो पड़ोसियों ने अंदर जाकर देखा। कमरे में खून से लथपथ शवों को देखते ही सनसनी फैल गई। दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस की कई टीमों ने छानबीन शुरू की थी। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश करने के निर्देश दिए थे। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। और हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।